जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो तुम काट ही नहीं सकते। इस तरह बड़ा हंसी मजाक चलता था, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था, हीरोइंस हीरो, और मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ। ये पटपट क्यों कर रहा है यार, कुछ ज्यादा कर दिया है? मुझे आता नहीं है माइक्रोफोन। ओके, हाँ कभी भाषण दिया नहीं सर। हाँ ये ठीक है, आपका आवाज आ रही है ना? ओके, तो किस्मत में लिखा मतलब एक शेर है, मैंने 500 पिक्चर में काम किया होगा, फिर बोर हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर टीवी किया, फिर थिएटर किया, उसके बाद दिल्ली वापस जाना था लेकिन नहीं गया। मुंबई ऐसी जगह है वो वापस छोड़ती नहीं है, बहुत प्यार मिलता है सबसे। तो किस्मत में लिखा हुआ था फिल्म लाइन में आने का, लेकिन अपनी मेहनत तो करनी पड़ती है, कोशिश तो करनी है, अगर फोकस है तो वहाँ पहुँचना है, तो आप पहुँच जाते हैं मुंबई जैसी जगह पर। कहीं भी आपने जिंदगी में जो भी कर रहे हैं सिंसियरली करोगे तो जिंदगी आपको ले जाएगी। तो जब मैंने इतना काम करके बड़े बड़े एक्टरों के साथ, दिलीप कुमार से लेके आजकल के भी जो लड़के हैं, मैं कभी कभी करता हूँ आजकल वल्गैरिटी और गालियाँ डायलॉग्स में आ गई हैं, गाने कुछ फिर न्यूडिटी है, तो ऐसी पिक्चरों में मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप ज़्यादा मुझे नहीं देखते। क्योंकि अभी ये टेलीफोन जो बड़ी पिक्चरें होती हैं कहाँ कहाँ देखते हैं, लेकिन ट्रेंड बदलता उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो साहब उसमें था, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, ये मेरा था। मैं बोर हो गया था तो मैंने पिक्चरों में काम करना बंद कर दिया था 10 साल से, और उसके बाद में मैंने अपनी पिक्चर को लिखा, कहानी लिखी, स्टोरी बनाई, कुछ भी किया तो बनाई मैंने। उसके स्टार थे विनोद खन्ना, किरण काटकर, अमरीश पुरी, बिंदु वगैरह ऐसे थे। और पहली पिक्चर थी जो सेंसर बोर्ड ने रिकमेंड की मेरे को पार्लियामेंट में दिखाने के लिए। हुआ क्या, जब सेंसर बोर्ड में गई तो उन्होंने सोचा कि रंजीत फिल्म मेकर, हर पिक्चर में रेप, किलिंग, किडनैपिंग, सेलिंग द कंट्री और कुछ आता ही है, और हीरो विनोद खन्ना, उसका नाम सेक्सी ऋषि बना रखा था उसको, और किमी काटकर सेक्स बॉम्ब। तो उन्होंने बोला रंजीत बनाना पिक्चर, बाहर ऐसा काम करता तो अपनी पिक्चर में तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो सेंसर बोर्ड जब पिक्चर देखते आया तो हॉल भरा हुआ था, तो बाद में उन लोगों को पता लगा इसमें तो काटने के लिए कुछ नहीं है। सो आई मेड ए डीट एंड क्लीन पिक्चर विद होल फैमिली कुड सी। फिर उन्होंने हक किया, रो पड़े, इमोशनल हो गए, सबने प्यार दिया बहुत। तो कहने का मतलब कहते किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके। कल बदन मुझे मालूम नहीं था कि मैं आपसे मिलने वाला हूँ, फिर जब पता लगा, फिर कश्मीर का भी मेंशन हुआ तो ज़्यादा इमोशंस हो गई। तो मैंने अपने, हमारी पिक्चर बन रही है बहुत बड़ी, उसका नाम है हाउसफुल 5। हाउसफुल 4-2 तो देखी होगी आपने। ऐसे शुक्र मिला चलता था, बड़ा मजा आता था काम करने का, अभी भी आता है, मैं तो लेता हूँ। तो मैंने डायरेक्टर को बोला यार ये तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम, चाहे डुप्लीकेट खड़ा करो कुछ भी करो। तो बोले कब तक आओगे, मैं बोला यार 2 बजे तक आ जाऊँगा, मालूम है लंच ब्रेक होता है 3-3:30 बज जाते हैं, तो मैं उसके बाद में पहुँच जाऊँगा, अपना काम कर दूंगा, कि अपनी वजह से मैं कभी किसी का नुकसान नहीं होने दिया। तो कहता है कि ये जो पिक्चर लाइन है ऐसी लाइन है कि इसमें एक परिवार होता है। हम सुबह से मैं निकलता था 7 बजे निकलता था, रात को 7 मतलब 12 बजे 1 बजे आने का, तो हमारा फैमिली कौन होता था, ये हमको जो चाय पिलाने वाले स्पॉट बॉयज, हमारे टेक्नीशियंस, कारपेंटर्स, यू नो लाइट मैन, ये सब लोग हमारे वो क्या होते थे, परिवार बन जाते थे। अब जाने से पहले ही सब मलाई मली चाहे लो, और घर में तो 3 बार बोलो तो भी थी, तो अपनी अपनी बात है, तो वो परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब रहा मैं आज आपके सामने हूँ, बहुत मज़ा आया, वहाँ पर जब से बोलते हैं भी मैडम के बारे में, तो सामने प्रकाश जी ने मैडम ने बहुत कुछ बोल दिया, और मैं तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और
आप जरूर बॉम्बे घूमिए, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो आपको यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे मिलेंगे आपको, आपको चपाटी का नाम नहीं लिया किसी ने, चपाटी में इनको कुल्फी वुल्फी खिलाइएगा। एनीवे तो साहब उन दिनों में जब काम बंद कर दिया तो फिर एक मेरी पिक्चर थी आपकी कसम। आपकी कसम में मैं राजेश खन्ना के घर में कोई लफड़ा वफड़ा मेरी वजह से होता है, लेकिन वो इल्ज़ाम लग जाता है संजीव कुमार के ऊपर। आपकी कसम देखी है किसी ने? आपकी कसम ओके डजन में, उसमें लाइफ के साथ मिलता जुलता बहुत अच्छा है गाना था। मुझे वही एक याद था, अभी ब्रदर ने गाया बड़े दिल से, बड़ी बुलंद आवाज़ में गाया, मेरी इतनी आवाज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसके मुखड़ा वगैरह या कुछ आपको सुनाता हूँ जो हर की जिंदगी के साथ ताल्लुक रखता है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। प्यार मोहब्बत ऐसे बांटते रहिए, जिंदगी है चल रही है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं कि पर्दे में मंजर बदल जाता है। सुनामी आ गई, तूफान आ गया, भूचाल आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो बस ये प्यार जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया है। और ये जो आप बोलते हैं ना, बोल हम क्या बोलते, सारी दुनिया बोलती है अगर स्वर्ग है जन्नत है तो कश्मीर, और अगर दिल है जमीन पे तो मुंबई, वो दिल में सबको समा लेती है। ऐसा है ना जी, कोई भी आता है, कहाँ कहाँ से कहाँ से लोग आते हैं, हम भी आते हैं ऐसे ही, लेकिन ऊपर वाले का बहुत करम है कि उसने मेरे पे बहुत घरवानी की। उससे मैं क्या मांग सकता हूँ, बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम भी मिला जो कि आपने देखा होगा, और कैसा काम किया उसके बावजूद भी आप ताली भी जाते हो तो और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। बोल दिया विच इज इफेक्ट, मेरे सारे हीरो जितने थे शाम को मेरे यहाँ होते थे एवरीबडी, बिकॉज ड्रिंकिंग वाज अ फैशन एंड स्मोकिंग वाज अ फैशन, बाकी नॉन वेज। तो मेरे को ये नहीं कि मैं पंडित हूँ, घर वाले खाते हैं, बच्चे खाते हैं, बना भी दे भी देता हूँ बना के, लेकिन कभी अर्ज नहीं हुआ। सारी जिंदगी दूध दही मक्खन उसी में पाला, बचपन से वही आया पंजाब से, तो बहुत अच्छी जनरी रही, कोई शिकायत नहीं, ऊपर वाले से बहुत मेहरबानी है, और इतना दुआ मिली, इतना प्यार मिला। तो अभी क्या है आजकल की फिल्में की अलग है, इसलिए आप मुझे ज़्यादा देख नहीं सकते हैं, फिर उम्र कभी तकादा होती है, हैं जो उस दिनों में करता था वो आज तो नहीं कर सकता, वो मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे कुछ पूछ रहा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। एनी बडी साड़ी बदल के आओ उसके बाद में। तो ये बड़ा प्यार होता है लेकिन चलता है। हाँ जी क्या बोल रहे डायलॉग? अच्छा डायलॉग में अपना नहीं सुना सकता, अगर आप मुझे इजाजत दे हाउसफुल पे था वो ब्यूटी ब्यूटी, वो अक्षय कुमार जो है वो मेरे बेटे का रोल कर रहा होता है हमेशा, जो मेरा होता है पता नहीं कैसे कहाँ से नोट किया डायरेक्टर ने, तो मेरी कॉपी करता रहता है। तो एक दिन मैं उसको बोलता हूँ एक सीन में जॉन अब्राहम भी था कि ए करता रहता है ऐसे थोड़ी रंजीत बनेगा। तो जॉन को बोलता है यार कैसा लड़का पैदा किया, एक बात तक ही पता है।
तो नेक्स्ट डे ही ब्रिंग्स द हीरोइन और हीरोइन को लेके आता है और जैसे बोलता है पापा देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। तो मैं सोचा मैं लिए तो पढ़ आया तो हीरोइन आ गई क्या हमने बोला मगा मैया मैंने बोर्ड में ना था वाओ ब्यूटी ब्यूटी इधर रुक जाओ ये आपकी होने वाली बहू है ओ अच्छा सॉरी बेटी हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज में की है एक कश्मीर बच गया कश्मीर की फिल्मों में काम नहीं कर सकता हूँ तेलुगु तेलुगु कन्नड़ मराठी एंड गुजराती पंजाबी बंगाली सब काम किया काम करने का बड़ा शौक था और मैं कभी थकता भी नहीं था थैंक यू वेरी मच और ये डायलॉग सुना एक डायलॉग आपको सुना देता हूँ बड़ा अच्छा देवानंद का डायलॉग सुना देता हूँ अभी आपने बुलाया तो देव साहब को सब जानते हैं गाइड पिक्चर आई थी ना गाइड देखिए वर्ड्स देखिए क्या लिखे कोई अपने हाथ में थोड़ी बोलता है इंसान सोचता है मैं इधर चलूं किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है सोचता है उधर चलो डाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है टंका कर मेरे तकदीर को पास बुलाया पूछा बता तू चाहती क्या है तेरी रजा क्या है तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो सो गई देख रहे हो आज यहाँ कल वहाँ परसों काम तो फिर चिंता किस बात की समझ लो करने वाला कोई और है नाम तेरा नाचने वाला तू है धागे किसी और के हाथ इसी के सामने पड़ता बहुत खुशी की बात है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है जैसे मैं काम करता हूँ उसके बावजूद भी इतना प्यार मिलता है बहुत अच्छा हाँ वो जून में आ रही है अभी उसका लास्ट बैच चल रहा है और इट्स वेरी गुड फिल्म गुड कॉमेडी गुड नीट एंड क्लीन पिक्चर मज़ा आया दुनिया को अच्छा लगा ये भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र ये वतन को जाने कार्यक्रम रखा है और ये वतन को जाने मतलब आदान प्रदान हो हमारी भाषा का हमारे लैंग्वेज का हमारे शहरों का ये जताने के लिए भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और उसमें हम हमारे महानिदेशक प्रकाश मोदी को धन्यवाद करेंगे और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद अदा करेंगे बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को ऐसे आदान प्रदान कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं ये कार्यक्रम वतन को जानो कार्यक्रम है इसके तहत पुलवामा अनंतनाग बड़गाम पहलगाम श्रीनगर यहाँ से 6 डिस्ट्रिक्ट से 220 बच्चे आए और उनके साथ में एस्कॉर्ट ऑफिसर से 232 बच्चे हैं भारत सरकार चाहती है कि कश्मीर के जो युवा है वो अपने को भारत के दूसरे राज्यों से अपने आप को जुड़ा माने और ये समझे कि पूरा देश उनको प्यार करता है उनसे मोहब्बत करता है यहाँ पर हम उनको कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी दिखाएंगे और मुंबई का भ्रमण कराएंगे सर कश्मीर में शूटिंग जा रही है
कश्मीर वापस से बॉलीवुड की फिल्म। हाँ, बहुत बहुत खुशी, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। और इतनी सारे इतनी खूबसूरत जगह हमारे को हमारी दिल्ली पे है, तो इससे अच्छी बात है। वो वही है, मुबारक हो प्रोड्यूसर को भी और एक्टर को भी और फिल्म को भी। थैंक यू, खुशी की बात है। ऑल द बेस्ट।